खाना, पानी और हवा। इसके बाद अगर आज इंसानों के लिए कोई सबसे जरूरी चीज है तो वो है उसका मोबाइल फोन। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद तो मोबाइल फोन जैसी चीज इंसानों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गई, क्योंकि अब लोग हर काम घर से बैठे बैठे ही कर रहे हैं। लेकिन इस छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर देने की वजह से कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके बारे में हम इंसान सोचना कभी जरूरी ही नहीं समझते। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हर वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को जरूर मिलती हैं जब किसी आदमी के हाथ में या फिर किसी की पॉकेट में या फिर किसी के घर में मोबाइल फोन विस्फोट हो जाता है। बात सिर्फ विस्फोट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विस्फोट का प्रेशर कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि उस मोबाइल फोन के पास मौजूद इंसान की मौत तक हो जाती है। अब तक एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अब किसी मोबाइल के फटने की वजह से इंसान बुरे तरीके से घायल हो गया या फिर उस इंसान की जान चली गई। और आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं बातों को बारीकी से बताएंगे कि जिस मोबाइल को दिन भर आप अपने हाथ में अपने आंखों के करीब रखते हैं वो मोबाइल कब और किन कारणों की वजह से फट जाता है। जो मोबाइल आपके दिनचर्या का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है, उस मोबाइल को फटने से कैसे बचाया जाए। हम आपको ये भी बताएंगे कि अपने मोबाइल को स्वस्थ रखने के लिए आपको किन तरीकों का उपयोग करना है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हर वो चीज जिसे हम इंसानों ने बनाया उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो ही सकती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो करोड़ों रुपए की हो या फिर महज 10 रुपए की, उसमें गलती नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। और वही बात अगर हम अपने मोबाइल फोन की करें तो वो भी महज एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम इंसानों ने ही बनाया है। मोबाइल फोन के सिस्टम में कभी ना कभी कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन किसी के हाथ में या फिर किसी के कान के पास एक छोटा सा विस्फोट होना बहुत ही गंभीर हो जाता है। और फिर मोबाइल फोन तो इतना खतरनाक तरीके से विस्फोट होता है कि उस आदमी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। अधिकतर केस में यूजर के पास मौका ही नहीं मिलता कि वो मोबाइल को फटने से पहले अपने हाथ से दूर कर सके। वहीं गौर करने वाली बात एक और है कि हम में से अधिकतर लोग इस तरह की बातों और घटनाओं को नजरअंदाज करते रहते हैं। हम में से अधिकतर लोगों को लगता है कि मोबाइल फोन फटने जैसी घटना लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक के साथ होती है। लेकिन एक बार आप सोच कर देखिए कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में अगर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फोन फट सकता है तो फिर हम में से किसी के साथ क्या ऐसी घटना नहीं हो सकती। फिलहाल अब हम आपको उन तरीकों को बताने जा रहे हैं जिसको फॉलो करके आप अपने मोबाइल फोन को फटने से बचा सकते हैं। लोकेशन। मोबाइल फोन को फटने से बचाने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है लोकेशन। आपको जानकर हैरानी होगी, खुद एप्पल कंपनी के CEO ने बताया है कि मोबाइल फोन को 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले इलाके में लेकर नहीं जाना चाहिए। और अगर आप 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान वाली जगह पर मोबाइल फोन को लेकर जाते भी हैं तो उस तापमान में आपको अपने मोबाइल से जरूरत से ज्यादा काम में नहीं लेना चाहिए। दरअसल मोबाइल की जो बैटरी होती है लिथियम नाम के तत्व से बनी होती है जो कि बहुत ही ज्वलनशील और खुद में बहुत ही गर्म तत्व होता है। ऐसे में अगर उस ज्वलनशील पदार्थ को किसी अधिक गर्म जगह पर लेकर जाया जाए तो उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्मी के दिनों में मोबाइल फोन को बंद कार के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बैटरी साइज। आप लोगों में से लगभग सभी लोगों ने इस चीज को फील किया होगा कि हमारे मोबाइल फोन का जब बैटरी खराब होने लगता है तो वो फूल जाता है। हम में से अधिकतर लोग इस बात को नजरअंदाज करके उस बैटरी से और अधिक काम लेते रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा करना खुद अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे मोबाइल फोन की बैटरी जब फूलती है तो उस वक्त उसके अंदर मौजूद केमिकल्स अपने आप में रिएक्शन करके गैस बनाने लगते हैं और वे सभी गैसेस बहुत ही ज्वलनशील होती हैं। और एक खराब और फूली हुई बैटरी को जरा सा भी बाहरी सपोर्ट मिल जाए तो वो तुरंत आग के गोले में बदल जाती है। अगर आपके घर में इस वक्त कोई भी तरह की खराब बैटरी मौजूद है तो उसे अभी कभी अपने घर से बाहर निकाल फेंकिए। और अगर आपके भी मोबाइल फोन में इस तरह की फूली हुई बैटरी लगी हुई है तो उसे जितने जल्दी हो सके बदलवा लीजिए या फिर मोबाइल फोन को चेंज कर दीजिए।
चार्जिंग। मोबाइल फ़ोन को फटने से बचाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है वो ये कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को कब और किस स्थिति में चार्ज कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग धूप में रखकर मोबाइल को चार्ज करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सोते वक्त मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं और मोबाइल को तकिए या फिर कंबल से ढक देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मोबाइल चार्ज होने की वजह से ऑलरेडी गर्म हुआ होता है, उसके बावजूद भी उसी गर्म मोबाइल से गेम खेल रहे होते हैं हम और फिर मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, राजस्थान में एक शख्स ऐसे ही मोबाइल फ़ोन पर कुछ काम करता हुआ सो गया। उसका मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा था और कंबल से ढका हुआ था। मोबाइल फ़ोन लगातार गर्म होता गया और कंबल से ढके होने की वजह से वो अपनी गर्मी को रिलीज नहीं कर पाया। आखिरकार रात में ही जब वो आदमी सो रहा था मोबाइल में विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद वो आदमी तो बच गया, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में गड़बड़ी की वजह से वो आदमी हमेशा के लिए चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। बिल्कुल ऐसी एक घटना कजाकिस्तान में भी हुई, जब एक लड़की रात को मोबाइल फ़ोन चार्ज में लगाकर गाना सुन रही थी और गाना सुनते सुनते सो गई। अब पहला तो मोबाइल चार्ज हो रहा था, दूसरा कि उसमें गाना भी बज रहा था, और तीसरी बात ये कि मोबाइल उसके कंबल से दब गया। मोबाइल फ़ोन रात में ब्लास्ट हो गया और उस लड़की की जान चली गई। इस घटना ने एक बात तो साबित की है कि मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग करते वक्त सिर्फ और सिर्फ चार्ज होने दे, उस वक्त मोबाइल से कोई भी छोटे से छोटा काम भी ना ले, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम आपकी ज़िंदगी या फिर आपके शरीर के अंगों से बढ़कर नहीं होता। और सबसे ज़रूरी बात कि मोबाइल फ़ोन को रात में सोते वक्त कभी भी चार्ज में ना लगाएं। क्वालिटी, हम कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखना आज के वक्त में बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ पैसों को बचाने के लालच में सस्ती प्रोडक्ट को अपने हाथ में ले लेते हैं। अब एक बात सोचकर देखिए, एक प्रोडक्ट जो कि सस्ता है और फीचर्स उतने ही दे रहा है जितना महंगे मोबाइल फ़ोन में मिलता है, आखिरकार उस सस्ते मोबाइल फ़ोन ने कहीं ना कहीं तो अपने मोबाइल फ़ोन की क्वालिटी के साथ कटौती की होगी। हो सकता है कि क्वालिटी के साथ वही कटौती किसी बड़ी दुर्घटना को इन्विटेशन दे दे। इसलिए मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो हर वक्त हम इंसानों के हाथों में मौजूद रहता है, वो हमेशा सर्टिफाइड ब्रांडेड कंपनी से ही खरीदें और क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता ना करें। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे मोबाइल का चार्जर खराब हो जाता है तो हम कोई सस्ता और लोकल चार्जर उठा लेते हैं, लेकिन चार्जर की क्वालिटी खराब होने की वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर गलत तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लू हो जाता है, जिससे मोबाइल फटने जैसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। खुद बड़ी से बड़ी मोबाइल कंपनी भी इस बात को सजेस्ट करती है कि जो चार्जर आपको आपके मोबाइल के साथ मिला है आप उसी चार्जर का इस्तेमाल कीजिए। सेफ्टी, अब मानकर चलिए कि आपने उन सभी तरीकों को फॉलो किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मोबाइल फिर से किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो सबसे पहले अगर वो मोबाइल फ़ोन आपकी शर्ट के पॉकेट में या फिर पैंट की जेब में, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी शर्ट या फिर पैंट को तुरंत अपने शरीर से हटा दीजिए। और अगर वो मोबाइल फ़ोन आपके आसपास है तो जितनी जल्दी हो और अगर ऐसा संभव हो तो तभी उस मोबाइल फ़ोन को उठाकर अपने घर से या फिर अपने आप से दूर फेंक दीजिए, और आग लगने से बचने के लिए तुरंत वहां पर पानी छिड़कने की कोशिश करें। और आपको ये सब बहुत ही जल्दी करना है, इसके लिए आपको महज कुछ ही सेकंड्स का समय मिलेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है मोबाइल में विस्फोट होने की वजह से आपके घर में बाकी के सामानों को भी नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, आपने देखा कब और किन परिस्थितियों में मोबाइल दुर्घटनाग्रस्त होता है। देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन के दुर्घटना होने के पीछे सबसे बड़ी वजह टेम्परेचर है। जब हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगाकर इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त उसका टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, और यही वो वक्त होता है जब हमारे मोबाइल को फटने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। बड़े बड़े मोबाइल कंपनी भी अपने यूज़र्स को इस बात की सलाह देते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगाकर कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। हमें मालूम है आप में से अधिकतर लोग इन बातों को नज़रअंदाज करके वही करेंगे जो आपको पसंद है, लेकिन फिर भी हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी सेफ्टी के लिए इन ज़रूरी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मोबाइल की सेफ्टी से रिलेटेड? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाती रहती है।